थैंक यू कि आपने मुझे एक मौका दिया। मुझे पता था आप कितने भी नाराज हो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, लेकिन मैं जो कुछ भी आपको बताना चाहती हूँ ना, सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो हम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सच्चाई एक बार आपको मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारा सच सुनने के लिए नहीं बुलाया और ना ही तुम्हें मौका देने के लिए। मैंने कहा ना तुमसे कि तुम्हारे सच तुम्हारे सबूत का कोई असर नहीं होने वाला मुझ पर। जिस तरह दिल के टूटने की आवाज नहीं आती उसी तरह टूटे हुए दिल तक किसी की आवाज नहीं पहुंचती, इसलिए अपना रोना गिड़गिड़ाना बंद करो, उसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। बस मैं तुम्हें यहां पर लाया उसका मतलब यह नहीं कि मैंने तुम्हें माफ किया। मैं तुम्हें यहां पर हमारी दोस्ती के लिए नहीं लाया और ना ही हमारे रिश्ते के लिए, मैं तुम्हें यहां पर इंसानियत के लिए, और वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी तुम्हारी मां के लिए। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जानता हूं उन पर क्या बीतेगी। अरे एक बेटी तो वो खो चुकी है, दूसरी बेटी खोने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। औलाद खोना क्या होता है ना, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। बस अब मैं तुम्हारी मां को फोन करूंगा, उनसे कहूंगा कि वो तुम्हें यहां से ले जाए, उसके बाद तुम्हारे साथ जो होना है हो जाए। आई रियली डोंट केयर। हेलो प्रज्ञा, मैं अभी बोल रहा हूँ। रजी आप वो प्रज्ञा तो घर से आपसे मिलने के लिए निकली थी, वो आपके साथ ही है ना? वो मेरे साथ ही है, मेरे लोनावले वाले घर पे। आप प्लीज जल्दी आकर उसे यहाँ से ले जाइए। ये आप क्या कह रहे हैं बेटा जी, मैं प्रज्ञा को लेकर जाऊँ? मतलब प्रज्ञा तो ठीक है ना? वो ठीक है आंटी, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, और जब तक वो यहाँ पर रहेगी मैं ठीक नहीं रहूंगा, इसलिए प्लीज उसे ले जाइए यहाँ से। आप एक मिनट मेरी प्रज्ञा से बात। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो, रोशनी यश जोकर, लिसन टू मी डैम इट, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो, यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है, हाउ कुड इट बी, और तुम कोमा में थे ना, तुम ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ, और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी, प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निकल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून खून के बदले कौन? नहीं। पर मां साहब हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है छाए। तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया, ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है।
जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।